ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। वास्तु गुरु चैनल आपकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए समस्त 51 शक्ति पीठ के बारे में आपको बताने जा रहा है। इसके क्रमशः 51 एपिसोड होंगे और प्रत्येक एपिसोड में एक शक्तिपीठ की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। जैसा कि देवी पुराण अथवा महाभागवत में कहा गया है, मां शक्ति का ध्यान करते हुए आप समस्त 51 शक्तिपीठों के बारे में सुने और जाने। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि शक्तिपीठ के बारे में देवी पुराण में कौन सा श्लोक कहा गया है। पीठानि चैक पंचाशद भवन मुनि पुंगव अंग प्रत्यंग पातेन छाया सत्या महीतले। शक्तिपीठों की इस उद्भव कथा का वर्णन कहीं कहीं संक्षेप में और कहीं विस्तार से विभिन्न पुराणों एवं शाक्त शैव ग्रंथों में पाया जाता है। इनकी संख्या भी भिन्न भिन्न बताई गई है। जैसे तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है, देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72। कुछ अन्य ग्रंथों में भी पीठों की संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है, किंतु देवी पुराण महाभागवत में शक्तिपीठों की संख्या 51 बताई गई है। अब आइए जानते हैं कि शक्तिपीठ का निर्माण कैसे हुआ। जब महादेव शिव जी की पत्नी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाईं, तो उसी यज्ञ कुंड में कूद करके भस्म हो गईं। जब भगवान शंकर को यह पता चला तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव जी अपनी पत्नी सती के जले हुए शव को लेकर विलाप करते हुए सभी ओर घूमते रहे। उनका मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया। जहाँ जहाँ माता के अंग और आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित हो गए। इन सभी 51 स्थानों पर जगदम्बा भवानी के विभिन्न रूपों की उपासना की जाती है। जनमानस में परंपरागत रूप से इन सभी शक्तिपीठों का बड़ा महत्व है। इन शक्तिपीठों का स्थान, वहाँ की अधिष्ठात्री शक्ति एवं भैरव का नाम तथा भगवती के किस अंग अथवा आभूषण आदि का कहाँ पतन हुआ था, इसका विवरण विभिन्न ग्रंथों तथा जनश्रुति के आधार पर प्राप्त होता है। प्राप्त विवरणों के आधार पर इन 51 शक्तिपीठों का संक्षिप्त परिचय वास्तु गुरु चैनल के द्वारा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। मां आदिशक्ति का ध्यान करते हुए आइए जानते हैं 23वें शक्तिपीठ वक्त्रेश्वर के बारे में। हम यह भी जानेंगे कि वहां माता का कौन सा अंग अथवा आभूषण गिरा था और वर्तमान में यह शक्तिपीठ कहां पर स्थित है। प्राचीन बंग भूमि, जिसमें वर्तमान बांग्लादेश भी सम्मिलित था, परंपरागत रूप से शक्ति उपासना का विशिष्ट केंद्र रही है। दुर्गा पूजा यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। इस भूभाग में 14 शक्तिपीठ स्थित हैं। इसमें 23वां शक्तिपीठ वक्त्रेश्वर है। वर्तमान में यह शक्तिपीठ दुबराजपुर रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, जो कि अंडाल जंक्शन के पास स्थित है। दुबराजपुर से 11 किलोमीटर उत्तर तप्त जल के कई झरने हैं। तप्त जल के इन झरनों के समीप कई शिव मंदिर भी हैं। बाकेश्वर नाले के तट पर होने से यह स्थान बाकेश्वर या वक्त्रेश्वर कहलाता है। यह शक्तिपीठ शमशान भूमि में स्थित है। यहाँ का मुख्य मंदिर बाकेश्वर
या वक्त्रेश्वर शिव मंदिर है, यहाँ पापहरण कुंड भी है। जनश्रुति के अनुसार यहाँ अष्टावक्र ऋषि का आश्रम था, देवी देह का मन यहाँ गिरा था। यहाँ की शक्ति महिष मर्दिनी और भैरव वक्त्रनाथ हैं। पूर्व में भी मैंने 22 शक्ति पीठ के बारे में बताया है। अगले एपिसोड में हम लोग 24वें शक्ति पीठ कन्याकाश्रम के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि यह कहाँ स्थित है, वहाँ देवी देह का कौन सा अंग अथवा आभूषण गिरा था एवं वहाँ के भैरव कौन हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई शक्तिपीठ की जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तुगुरु। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः।